हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मेरा वीडियो में आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आइए, हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस पौधे के बारे में कुछ। तो ये पौधे देखिए, क्रिसमस ट्री है। ये आप सभी के घरों में होंगे पौधे। और ये देखिए, मैंने इस तरह से इस गमले में लगा कर रखी हूँ गाइस, आप भी लगाओ। और ये देखिए, इसके पत्ते कितने सॉफ्ट हैं, कितने सुंदर हैं। और ये बिल्कुल ही सुई की तरह एकदम नाजुक हैं। ये देखिए, इनके पत्ते कितना ही सुंदर, एकदम चटाई की तरह लगती है देखने से। ये क्रिसमस ट्री हैं पौधे, बहुत ही हरे भरे हैं। मैंने तो एक पौधा भी लगाया था गाइस, पर वो तो हो नहीं सका, किसी वजह से वे मर गए। लेकिन मैंने फिर ये देखिए, इनको दोबारा से मैंने लगाई है इस पौधे को। तो इस तरह से मैंने देखिए और भी पौधे अलग अलग गमले में लगाई है। और ये पौधे देखिए मैंने लगा कर रखी है गाइस। इसके जड़ के नीचे आप केले के छिलके फर्टिलाइजर के रूप में आप डालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ही ये क्रिसमस ट्री ग्रोथ करती है और बड़े होने में आसान तरीके हो जाते हैं। इनके बहुत ही फायदे हैं। और गाइज, ये पौधे जब भी आप घर में लाओ अगर, तो जुड़वा लाना, जोड़ा लाना, क्योंकि ये पौधे जोड़ा लाने से आपके घर में किसी तरह का परेशानी नहीं आएगी और आपके घर में धन की वृद्धि होगी। और ये पौधे देखिए, मैंने इस तरह से आपको लगाकर दिखाई हूँ। और ये इनका कटिंग भी मैंने लगाकर दिखाऊंगी आपको गाइज, इस पौधे को। गाइस देखिए, इस पौधे को तो आप, मैंने बताया कि आप जब भी लगाओ तो जोड़ा लगाएं पौधे। इस पौधे को आप लगा लीजिए, लेकिन इस पौधे को आप घर की जहां रोशनी मिलती हो उस जगह पर रखें, क्योंकि ये रोशनी का आकार ये अच्छे ही जगह पर रखने से ये पौधे अच्छे ही ग्रोथ करती है। और देखिए, मैंने आपको दिखा रही है कि कटिंग यहाँ से आप जब भी लगाओ गाइस, तो उसका कटिंग यहाँ से काट कर आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कटिंग लगाने से आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ आएगी। इस तरह से पत्ते आएंगे। इस पत्ते में देखिए कितने सुंदर हैं और कितने ही बढ़िया तरह से मैंने दिखा रही है। इसका जो नुकीला पर है वो थोड़ा ब्राउन कलर हो जाती है धूप की वजह से। तो ये देखिए इनके। और गाइस देखिए, इस पौधे का नाम मंकी पल जल के नाम से भी लोग जानते हैं। और ये देखिए, ये ज़्यादा ये पेड़ लगाने के लिए आप बालू वाही मिट्टी जो बोलते हैं हम लोग, उस मिट्टी में आप लगा सकते हो उससे। और ये गमले की मिट्टी में तैयार करते हैं, वो आप हफ्ते में कम से कम एक बार पानी डालें, क्योंकि पानी डालने से ये पौधे नहीं लग पाते हैं। ये इस पौधे में हिसाब से ही पानी डालें, क्योंकि इस पौधे में ज़्यादा पानी डालने से ये पौधे ग्रोथ नहीं करेगी और नहीं लगेगी। तो गाइस देखिए, इसमें मैंने आपको बता रही थी कि इसमें फर्टिलाइज़र भी आप हिसाब से ही डालिएगा, क्योंकि कम से कम 15 दिन पर आप एक बार केले का फर्टिलाइज़र बनाकर ज़रूर डालें, क्योंकि ये पेड़ बहुत ही अच्छे तरह से ग्रोथ करेगी और इनसे बहुत। और गाइस, इस पौधे को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये पौधे कितनी ही सुंदर और कितनी ही खूबसूरत लगती है देखने से। ये पेड़ तो मैंने आपको दिखाए रही हूँ गाइस, और इनका कटिंग भी आप लगा कर देखो। मैंने भी आपको दिखाऊंगी गाइस लगा कर कटिंग। ये देखिए, पत्ते इनका कितना ही सुंदर, एकदम अच्छी लग रही है देखने से। ये क्रिसमस ट्री पर आप सब लोग इसमें, और ये क्रिसमस डे पर बच्चे लोग तो बहुत ही खुश हो जाते हैं गाइस। और ये क्रिसमस ट्री 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें बहुत ही अच्छे मेले लगते हैं, लोग चर्च देखने जाते हैं। पर मैंने इस पौधे को ही सजा कर घर में ही चर्च तैयार कर लेती हूँ उस जगह पर। और मैंने घर में ही बच्चे लोग इस पर मौज मस्ती अच्छी तरह से कर लेती है। और ये बहुत ही अच्छे क्रिसमस डे होते हैं, ये पंजाबी लोग बहुत ही इनको मान्यता देते हैं। और मैंने भी इस पेड़ को घर में लगा कर रखी है। इस पौधे से मुझे बहुत ही लाभ होते हैं गाइस। मैंने
दो पेड़ लगा कर रखी है, और आप भी जब भी लगाओगे तो घर में दो पेड़ क्रिसमस ट्री का अवश्य लगाएं। इनसे बहुत सारे लाभ मिलेंगे, इनके पत्ते, इनका कटिंग लगाने में भी आपको आसान होंगे। और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना ना भूलेगा। और ये देखिए, मैंने और भी पौधे के बारे में आपको कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। ये मेरे पपीते के पेड़ थे जो आपको दिखा रही थी मैंने, इसको भी मैंने बीज से तैयार कर रखी है गमले में। और ये देखिए, इस तरह से मैंने क्रिसमस ट्री का पौधा भी अपने गमले में तैयार कर रखी है। इसको मैं समय समय से खाद डालती हूँ और पानी डालती हूँ, और इसको धूप में मैं रखी है क्योंकि इस पौधे में थोड़ा धूप भी लगना बहुत ही ज़रूरी है। और ये पौधे घर के अंदर ना रखे गए क्योंकि घर के अंदर रखना बहुत ही कठिन हो जाती है, इसलिए मैंने इस जब भी आप इस पौधे को रखे तो घर का आंगन या अपने बालकोनी के पास दो तरफ ही करके रखे दूर दूर में। और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें।